এইজন বিজয় মালিয়া। দেশের প্রায় 1000 কোটি টাকা আত্মসাত করে লন্ডনত বাহর পাতি আছে এওঁ। তেওঁবাৰে এইদৰে ভি আই পি গেলেৰীত বহি ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল উপভোগ কৰিছিল বিজয় মালিয়া। কিন্তু বিজয় মালিয়াক দেখা গৈছিল আনকি সুনীল গাভাস্কৰৰ সৈতেও। বিজয় মালিয়াৰ পৰা এই পৰ্যন্ত চি বি আই ঋণ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বিজয় মালিয়া এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত বিচৰণ কৰি আছে। আৰু এইজন প্ৰণয় ৰয়। প্ৰণয় ৰয় এন ডি টিভিৰ মুৰব্বী। 2010 চনত প্ৰণয় ৰয় কোম্পানীয়ে আই চি আই চি বেংকৰ পৰা প্ৰায় 48 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল। সেই ঋণ উভতাই নিদিয়াৰ অভিযোগত সোমবাৰে প্ৰণয় ৰয় বাসগৃহত চি বি আয়ে তালাচী চলায়। প্ৰণয় ৰয় দিল্লী আৰু ডেৰাডুনস্থিত বাসগৃহত তালাচী চলোৱা হয়। मेरा नाम है अंजू। ये किसका घर है और क्या हुआ था? और ये परनर घर है और वो आए थे सीबीआई वाले, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। क्या क्या किया? कितने लोग आए थे? उन्होंने क्या क्या किया था? 7 लोग थे। उन्होंने पूरा जाँच जो पूरा देखा वाला, उन्होंने कुछ भी वहाँ पे नहीं था, सब कुछ सही था। बोला भी नहीं, हाँ जी ऐसे ही चले गए। यहाँ के केंद्र को भिन्न प्रतिक्रिया सृष्टि हुई। প্ৰণয় ৰয় নেতৃত্বাধীন এন ডি টিভি চেনেলে মুকলিভাৱে চৰকাৰৰ পক্ষত নথকাৰ বাবে লোকত পৰিছে বুলিও অভিযোগ আহিছে। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मीडिया को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी, मीडिया को तंग करने की कोशिश की जाएगी, मीडिया को एक तरह से इसलिए परेशान किया जाएगा कि वो स्तुतिगान नहीं करता है, तो हमको लगता है कि ये उचित नहीं है। मगर कानून अपना काम करेगा और इस देश की न्यायपालिका बहुत ही मजबूत है, निष्पक्ष है। जिनको भी अगर कोई ये है तो वो न्यायपालिका के सामने उनको सब दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। यार लगे लगे प्रश्न हो इसे सरकार सरकार विरोधी संवाद माध्यम समूह नियंत्रण कर चेष्टा चल रिपोर्ट असम टॉक्स।